मध्य प्रदेश से मजदूर अन्य राज्यों में काम की तलाश में पलायन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दावे पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। शिव सिंह ने बताया कि उन्होंने रीवा रेलवे स्टेशन पर रीवा सीधी सतना जिले से रोटी रोजगार की तलाश में मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले सैकड़ों मजदूरों से मुलाकात की, उनका दर्द समझा। उनके द्वारा कहा गया कि शिवराज सरकार ने हमारे सभी रोजगार के साधन छीन लिए, हमारा परिवार भूखो मरने की कगार पर है, हम काम की तलाश में मध्य प्रदेश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश बसोर समाज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बसोर ने शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार गरीब मजदूर विरोधी हो चुके हैं, सिर्फ चुनाव के समय उनको तरह तरह से प्रभावित करती है, इसके बाद भूल जाती है। आप? हम विदेश जा रहे हैं भैया जी। क्या नाम है आपका? रामवती। तो यहाँ कोई रीवा में काम नहीं, मध्य प्रदेश में कोई काम नहीं है? लोग को काम यहाँ नहीं मिलता तो विदेश जा रहे हैं। अच्छा, वहीं कमाएंगे खाएंगे? कमाएंगे वहीं खाएंगे। अच्छा अच्छा, बच्चा पालेंगे अपना। सर में आए हैं तो यहाँ देखें कि बहुत सारे गरीब मजदूर किसान मजदूर लोग इतना परेशान है कि रोजी रोटी उनको नहीं मिल पा रही है, वो अपना देश अपना गांव छोड़कर बाहर दूसरे शहर में जा रहे हैं। ये सरकार की ये योजना जो चल रही है 1000 रुपये वाली, इस तरह इन लोगों को हाल कर दिया है। इनको रोजी रोटी तक नहीं मिल रही, बस 1000 रुपये दे के बड़ा धन समझते हैं ये सरकार शिवराज सिंह की। और इस तरह गरीब लोग की कोई सुनवाई कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बहुत परेशान है ये लोग। और सरकार बोलती है कि हम सब सुविधा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई काम का नहीं है। आज हम रीवा रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। मैं यहां से गुजर रहा था, यहां मैंने देखा कि हजारों की संख्या में रीवा जिले और सतना जिला सीधी जिला के आसपास के तमाम जो गरीब मजदूर हैं वो यहां से पलायन कर रहे हैं। उनको मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार में ना तो रोजगार है ना कोई धंधा है, वो पूरी तरह से यहां से पलायन कर रहा है। ये सरकार की असली पोल खुल चुकी है, सरकार जो फर्जी वादे कर रही है आज उसका परिणाम है। यहाँ सड़कों पर लोग पड़े हुए हैं, मजदूर यहाँ से पलायन कर रहा है। हम शिवराज सरकार की निंदा करते हैं। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।